व्हाट्सअप का जमाना पेयर आज मिलने के बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट जो है एक कॉफ़ी मेकर। जो लोग कॉफ़ी के शौकीन हैं वो ये यूज़ कर सकते हैं, या लोगों के पास ऑलरेडी मशीन होती है उसकी जगह ये भी यूज़ कर सकें। ये है कंपनी बलत्रा करके, रसेट पता नहीं क्या है, रसेट आई थिंक इसका लेबल होगा। मॉडल नंबर है BCM104। तो दोस्तों ये बॉक्स थोड़ा सा खस्ता हालत में है क्योंकि तो मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है और ये काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग नहीं कर पाया। तो ये है, इस पे लेबल पे है, वाइट कलर का है ये। एंटी डिप फंक्शन, ऑटो स्विंग आउट फिल्टर बास्केट, परमानेंट फिल्टर विद हैंडल, डिटैचेबल वाटर टैंक, वाटर गॉज और एफिशिएंट हीटिंग सिस्टम, ऑटो वार्म अप, नॉन स्टिक प्लेट, ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन ऑप्शन, स्प्रे, पेंटेड पार्ट्स। ओके तो आइए खोलते हैं इसको। जैसे कि देख रखे हैं इस पे लेबल पे लिखा था कि वाइट है और ये वाइट कलर का ही है। साथ में है इंस्ट्रक्शन मैनुअल कॉफी मेकर का, क्योंकि तो मैंने कभी कॉफी मेकर यूज नहीं करा इसलिए मुझे पता नहीं कि कैसे यूज कर सकते हैं। ये है 680 वॉट का, 220 से 240 वॉट तक यूज कर सकते हैं, तो एशियन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज में भी यूज हो जाएगा ये। इसके साथ है ये, यहाँ पे लिखा है सिंग बटन। पहले इसको निकालते हैं फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कॉफी मेकर और जैसा कि फोटो में बना हुआ था वैसे ही है, दिखने में काफी अच्छा है। वाइट कलर तो ऑलरेडी अच्छा ही होता है, अलग से चमकता है। अगर नया नया आइटम हो तो आप इसे साफ करें तो बहुत ही बढ़िया लगता है। साथ में इसके है ये गॉज, आई थिंक ML का है, कितने ML होगी। ये बटन है फिल्टर ओपन करने का। ओके इसे मैं, ये हो गया बंद, इसे करूँ खोल लेंगे। तो दोस्तों ये है पहला पार्ट हमारा फिल्टर। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो इसलिए जितना भी बता पाऊँ मैं बता पाऊँगा। ये फिल्टर होगा आई थिंक, ये अपनी कॉफ़ी बीन्स डालेंगे या कॉफ़ी क्रश डालेंगे और यहां से आई थिंक बननी चाहिए कॉफी। ओके ये ऐसे डाल दिया और ये बंद हो गई। और ये साथ में इसका लॉक है जो आप यहाँ पे ऐसे फिट करेंगे तो अंदर बाहर करने में आसानी होगी। और इसके नीचे है एक मग जो कि ग्लास का ही है, कांच का है जैसे कि वो देख सकते हैं। इसके ऊपर लिड है ताकि स्पिल ना हो या ज़्यादा अगर ओवरफ्लो हो जाए तो उसकी फोम से बाहर गिरे नहीं, तो ये ढक्कन कभी काम आता है। और नीचे है इसकी स्टील क्रोम की फिनिश जो कि यहीं से कनेक्टेड है हैंडल से, प्लास्टिक मटेरियल का है। और हम देखेंगे इसके साथ बस यही है। और ये है यहाँ पे आई थिंक अपने पानी डालेंगे और इसके अंदर चम्मच भी है। अगर आपको कुछ निकालना डालना हो तो कॉफी कॉफी बीन्स वगैरह के लिए तो ये चम्मच काम आएगा। तो ये देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले जो था ये स्विंग बॉटम है जो कि हमने ये देखा, और डिटैचेबल वाटर टैंक देखते हैं, डिटैच भी हो जाता है ये। और ये डिटैच हो गया जैसे देखें आप, इसमें पानी डालें और उसको उठाने के लिए, अगर ये गर्म होते हैं, नॉर्मली गर्म होता है तो आप इसको ऐसे उठा सकते हैं और तभी आप डालें ताकि आपके हाथ ना जलें। तो ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और है इसके साथ में वाटर गॉज, कितने क्वांटिटी आपको वाटर की चाहिए, छोटा कप या बड़ा कप के हिसाब से। अगर आप इसे कोई बटन दबाएंगे तो एक हाफ कप के हिसाब से ऐसे आ रहे थे, 6 हैं, छोटे कप में 6 बनेंगे और बड़े कप आपके बनेंगे 4, इस हिसाब से इसकी फ़ोटो के हिसाब से। और इसके है कराफे, आई थिंक ये इसी को कहते होंगे जिसमें आपकी कॉफ़ी डलती है। फनल फिल्टर, ये हमारा फनल फिल्टर है। और ये वाटर टैंक का कवर है जो लिखा हुआ है। तो सो यही है मशीन हमारी। अभी मेरे पास कॉफ़ी बीन्स नहीं है तो मैं अभी इसको चला नहीं सकता, पर जब मेरे पास कॉफ़ी बीन्स होंगी तो मैं ज़रूर उसमें कॉफ़ी बना के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इसके रिव्यूज़ कैसे हैं, कितनी अच्छी है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। ये थी एक बलत्रा की कॉफ़ी मशीन, कॉफ़ी मेकर, साथ में ऑन ऑफ का बटन भी। अगर आपको ऑन ऑफ यूज़ करना हो प्लग आप हमेशा ऑन रखें मेन से, और यहीं से आप ऑन करेंगे तो ये चालू हो जाएगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।